हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज मैं एक बोलूँगी कि वो क्या करना चाहते हैं आगे लाइफ में और आपको लेकर उनके क्या सपने हैं, तो देखते हैं। शॉर्ट रीडिंग है ये। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताएं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपके जो भी पर्सन हैं अभी अपने आप को बहुत एम्प्टी फील कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत खालीपन है। ऐसा लगता है उनको कि उनकी लाइफ से जो एनर्जी थी वो जा चुकी है, उनकी लाइफ में अब ऐसा कुछ नहीं है जिसको वो लेकर हैप्पी हो सकें, खुश हो सकें। अपने ही थॉट के पैटर्न में फंसते जा रहे हैं, अपने ही थॉट में उलझते जा रहे हैं। उनके माइंड में कुछ ऐसे निगेटिव थाट्स बन चुकी हैं जिनकी वजह से वो हैप्पीनेस की ओर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं मूव कर पा रहे हैं। उनको ये लगता है कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हालांकि वो कुछ समय पहले बहुत खुश थे, उनको ये लगता था कि चीज़ें सब मैनेज हो रही हैं, मैनेज हो जाएंगी, लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि समय इतना टफ क्यों होता जा रहा है, क्यों चीज़ें उनके हाथ से फिसलती जा रही। हालांकि उनको अब अपना जीवन बहुत अजीब सा लग रहा है, भारीपन सा रहता है मन पे। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उनके ब्रेन को बांध दिया है, उनके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर दिया है, ऐसी उनकी फीलिंग है। और कुछ जगह पर वो अपने आप को बहुत स्टक फील करते हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उनको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। वो अक्सर आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, हो तब हो सकता है कि आपका फेसबुक अकाउंट हो, आपको वहाँ स्टॉक करते हैं, हो सकता है कि आपका इंस्टाग्राम हो, आपको वहाँ स्टॉक करते हैं। हाँ अब उन्होंने प्रे करना भी शायद से छोड़ दिया है। उनको ही लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ कुछ हो नहीं सकता, और आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ ना कुछ फैमिली के ड्रामे शुरू होते हैं और इस वजह से वो आपको अप्रोच करने से घबराने लगते हैं। उनको पता है कि फैमिली उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर रही है, और कुछ के पेरेंट्स यहाँ पर शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं उनको, उनके फादर से आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। उनके फादर उनकी शादी करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि शादी करें, और मना कर रहे हैं अपनी तरफ से, भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ना हो मैरिज। वो नहीं चाहते हैं कि 3 जिंदगियाँ बर्बाद हों। उनको चाहत बहुत है, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको एक तरीके से बहुत नफ़रत की दृष्टि से देखते हैं। उनको ये लगता है कि ये इस तरीके से करते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। हर व्यक्ति, हर लड़का और या लड़की अपने पेरेंट्स की बात मानती है, उनके अनुसार चलती है, उनके अकॉर्डिंग सारा वर्क करती है, लेकिन ये ऐसा क्यों है। हालांकि ये जो रिश्ता है आपका आपके पर्सन के साथ, ये डिवाइन की तरफ से है, डिवाइनली गाइडेड है, इसलिए चीज़ें इसमें थोड़ा सा अलग हो रही हैं। उनको ये लग रहा है कि अब बहुत हो गया, चीज़ों का एंड कर देना चाहिए, या तो शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करें, और नौकरी करने के बाद आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, और उसके बाद आपको मैरिज प्रपोजल दें, ऐसा वो सोचते हैं। अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं, ये कहते हैं कि मैं बाहर जाकर कहीं पर सेटल हो जाऊं पहले अच्छी तरीके से, कहीं ऐसा घर देख लूं जिसमें मैं उसको रख सकूं सेफ्टी से, उसके बाद मैं मैरिज कर लूंगा। हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स जो हमारे ये देख रहे हैं वीडियो, कुछ व्यूअर्स के लिए कोर्ट मैरिज हो। उनका ये कहना है कि फैमिली वाले कुछ समय बाद मान ही जाएंगे, मान जाएंगे तो फिर हम अच्छे तरीके से बाद में आके फैमिली में रहने लगेंगे, ऐसी उनकी थिंकिंग है। उनकी मदर मंदिर बहुत जाती हैं, किसी ऐसे पर्सन के पास गई हैं, कुछ उनके लिए बनवा के लाई हैं, हो सकता है कि ताबीज हो,
उनको ये लगता है कि जब वो आपके फेवर की बात करते हैं तो उनकी मदर को ये लगता है कि आपने उन पर कुछ मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किया है, इसलिए वो किसी भगत से जाकर कुछ बनवा के लाई है, उनके लिए ताबीज है या कोई धागा हो सकता है पड़ा हुआ। उनको ये लगता है कि आपने उन पर जादू किया है और इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये डिवाइन की तरफ से दिया हुआ कनेक्शन है, इसमें कोई जादू काम नहीं करता। और अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं पाएगा, चाहे कोई कितने भी धागे बांध ले, चाहे कोई कितने भी प्रयास कर ले। उनकी माँ उन पर बहुत नज़र रखती हैं, अक्सर कई बार तो उनके पेरेंट्स उनके कमरे की छानबीन करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप लोगों में तो वैसे ही बातचीत कम होती है और कुछ लोग तो सेपरेशन में चल रहे हैं। आपके सेपरेशन के बाद ही इतना ज़्यादा आपके पर्सन में चेंज आया है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, और जब वो हमसे दूर हो जाती है तो हमको उसकी कीमत पता पड़ती है, उसकी वैल्यू मालूम पड़ती है। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है। जब से आप उनसे दूर हुए हो, आपने बात बंद की है, तब से उनको आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है, वरना तो घर की मुर्गी दाल बराबर लगती थी कभी कभी उनको, कि मैसेज का भी रिप्लाई नहीं करना, सीन कर लेना, उसके बाद भी आंसर नहीं देना, ऐसी कुछ उनकी एनर्जी बनी हुई थी। मदर बहुत समझाती हैं, फादर डांटते हैं, लेकिन वो कुछ समय तो उनके ऊपर ऐसा लगता है कि हाँ असर हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो असर ख़त्म हो जाता है और वो आपको मिस करने लगते हैं। आपका सेपरेशन बहुत जल्द कुछ ना कुछ रंग लेकर आएगा, कुछ अच्छी खबर मिलेगी आपको, पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपका सेपरेशन, डिवाइन भी आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देंगी ज़रूर। जो आपने सब्र रखा है, आपने अपने आप पे जो वर्क किया है, आप जो अपने शैडो साइड से बाहर निकले हो, आप जो इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले हो, इसके लिए डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स तो ज़रूर देगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन का आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, ये जो फ्लेम है आप इस फ्लेम को देखिए कितनी स्ट्रांग है, सीधी जा रही है ऊपर की ओर। इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन आपको दिलो जान से चाहते हैं और वो दुनिया की किसी भी चीज़ से टक्कर ले सकते हैं आपके लिए। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।